हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को बहादुरगढ़ में निलोची गांव से आम लोगों के लिए चालू कर दिया गया है। हालांकि अभी बहादुरगढ़ में KMP एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज का काम चल रहा है। अधिकारियों का दावा है कि मार्च तक इसे बना दिया जाएगा और यहां से वाहनों का आवागमन हो सकेगा। फिलहाल इसे पंजाब बॉर्डर तक सुचारू रूप से शुरू किया गया है। ट्रायल के तौर पर स्मारक को फिलहाल शुरू कर दिया गया है, जिस पर वाहन दौड़ रहे हैं। करीब 135 किलोमीटर की दूरी तक का मार्ग ओपन हो चुका है, जो हरियाणा में खरखुदा मारुति के प्लांट के पास पाई निलोठी से शुरू होकर पंजाब बॉर्डर तक वर्किंग है। फिलहाल ट्रायल चल रहा है और टोल अभी चालू नहीं किए गए हैं। जल्दी ही इस मार्ग पर टोल वसूली का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के चालू होने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। पंजाब में अभी कई स्थानों पर रोड का काम बाकी है। इसके पूरा होने के बाद इसे कटरा तक शुरू किया जाएगा। हरियाणा सीमा में करीब 135 किलोमीटर तक का काम पूरा हो चुका है। KMP 0 से कटरा की दूरी 566 किलोमीटर है। रोड पूरा तैयार होने के बाद यह दूरी 6 घंटे में पूरी होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है। इसका काम कई फेज में चल रहा है। प्रदेश में KMP से पंजाब बॉर्डर तक का काम पूरा हो चुका है। यहां से पंजाब तक कम समय में सुविधाजनक ढंग से सफर तय किया जा सकता है। बहादुरगढ़ में निलोठी गांव के नजदीक से KMP पर कटरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज का काम तीव्र गति से चल रहा है। फिलहाल इन स्थानों पर जाने वाले के समय की होगी बचत। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे हरियाणा के निलोठी जसोर खेड़ी सोनीपत के लाखन माजरा और गोहाना रोहतक के हसनगढ़ सापला खरखुदा जींद और असद के कैथल नरवाना से होकर गुजरेगा। दिल्ली से पंजाब जाने वालों को इसका खूब फायदा मिलेगा, समय की बचत होगी। बता दें कि दिल्ली से अमृतसर जाने वालों का सफर सुगम होगा। अभी अमृतसर की दूरी तय करने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन अब इस समय में भी कमी आएगी और यह दूरी आसानी से तय होगी। कटरा एक्सप्रेसवे को KMP से चालू कर दिया गया है। इंटरचेंज का काम चल रहा है। फिलहाल यह आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पंजाब में कई स्थानों पर काम अभी बाकी है। जगभूषण PD NHAI यूनिट हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।